हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम हमारा जब आधार कार्ड का ऑर्डर देते हैं पीवीसी कार्ड का, तो उसको ऑर्डर करने के बाद 2 या 4 दिन के बाद हमारे मोबाइल के ऊपर उसका एक ट्रैकिंग आईडी मिलता है। तो वो ट्रैकिंग आईडी मिलने के बाद हम हमारे पीवीसी आधार कार्ड कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा और हमको कब तक मिल जाएगा, तो यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम गणेश है। वेलकम टू माय चैनल इंडिया डिजिटल बनेगा समाधान, बस और कुछ नहीं। देखो, सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ कि मेरे पास जो मैसेज आया था वो शायद 2 तारीख को आया था। देखो ये डिस्पैच वाला, तो ये आने के बाद मेरे पास ये मैसेज आया था, तो मैं उसका जो नंबर है नोट करके रखा है। फिर नोट करके रखने के बाद आपको क्या करना है, आपके भी मोबाइल के ऊपर वो डिस्पैच का जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र में। आपके मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में भी जा सकते हो और पीसी या कंप्यूटर में भी जा सकते हो। तो जाने के बाद वहाँ पे आपको टाइप करना है स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग। जैसे आप टाइप करोगे आपके सामने पे ये पहला वेबसाइट आ जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आपको ये वेबसाइट पर आना है और आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो कंसाइनमेंट वाला नंबर है वहाँ पे वो जो नंबर कॉपी किया था वो आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे जो भी कैप्चा कोड दिया है वो आपको एज इट इज़ भर के लेना है। ज़रूरी नहीं आपको कैप्चा मिले, कुछ टाइम पे शायद नंबर भी आते हैं, तो आपको जो भी मिलेगा आपको भर के लेना है। भर के होने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद ये देखो थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद ये आपको आपका दिखाएगा स्टेटस क्या है। मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, बहुत जन क्या करते हैं कि ये जो ट्रैकिंग नंबर मिलने के बाद कंसर्नमेंट का तुरंत जाके चेक करते हैं, लेकिन आपको ये मोबाइल पे नंबर मिलने के बाद कम से कम 12 घंटे के बाद आपको सर्च करना है, तभी आपको वो दिखाएगा कि कहाँ है। तो ये देखो मेरा भी आ गया, तो देखो ये मेरे को अभी तक मिला नहीं है। 2 तारीख को निकला था, 7 तारीख हो गया फिर भी मुझे मिला नहीं। ये मतलब मेरे जो गांव है वहाँ पे पहुँच गया है। तो इस तरह से आप कुछ मिनट के अंदर ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो आधार पीवीसी कार्ड है वो कहाँ तक पहुँचा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।